पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। आदमपुर चुनाव पर बोलते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, वहां पर जीत हासिल करेगी। कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा को चुनाव लड़ने की चुनौती देने पर कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कहा कि चौधरी बिजेंद्र सिंह खुद कुलदीप के बीजेपी में शामिल होने पर कह चुके हैं कि कुलदीप के आने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा और कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। साथ ही पंचायती चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय बान शनिवार को हांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है उसको आदमपुर की जनता सबक सिखाएगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का SYL गाना किसने बैन किया, इसके बारे में पंजाब हरियाणा और केंद्र सरकार को पता नहीं है। ये खुलासा महाराष्ट्र के रहने वाले फैन अमृतपाल सिंह खालसा की RTI के जरिए हुआ है। उन्होंने तीनों सरकार से गाना बैन करवाने के लिए भेजी शिकायत की कॉपी मांगी थी। तीनों सरकारों ने कह दिया कि उनके पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मूसेवाले के कत्ल के बाद करीब एक महीने बाद एक गाना रिलीज हुआ था। सोनीपत बिस्वा मिल चौक पर स्थित शॉर्ट सर्किट के चलते एक परचून की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिनके नरवाना के गांव हमीरगढ़ में शनिवार को निजी स्कूल बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक बच्चे का शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से चालक फरार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाए खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।